पिछले 24 घंटे से श्री दुर्गा चालीसा पाठ चल रहा है और हमें यहाँ की आरती का लाभ प्राप्त हुआ है। हम लोग सब लोग सोचते हैं समाज में कि हम सौभाग्यशाली बने, पर सौभाग्य हमें अपना अपने दोनों हाथ फैला के अपना बनाने के लिए प्रयास करता है, पर हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जिस तरह हम लोग अपने इष्ट अपने गुरु की भक्ति करें, उससे बड़ा सौभाग्य हम लोगों के जीवन में और कुछ नहीं है। और आप लोग अधिक से अधिक दूसरे के लोगों के पास जाएं, लोगों को प्रेरित करें कि पास ही में आपके आश्रम बना हुआ है जहाँ पर श्री दुर्गा चालीसा पाठ 1997 से चल रहा है। गुरु जी सुबह शाम आपको आशीर्वाद देते हैं, मिलते हैं, आपकी समस्या सुनते हैं। तो आप उन लोगों को लेके जाइए और गुरु जी से मिलवाइए, वहाँ पर सेवा साधना का क्रम अपनाइए, तभी आपको आपको आनंदित होगा, आपको आपका मन शांत रहेगा। और गुरु जी ने आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। भाइयों और बहनों, हम उस कलिकाल के वक्त पर जीवन जी रहे हैं जब योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज धर्मधुरी के रूप में पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम की स्थापना कर रहे हैं। हम उस काल में जीवन जी रहे हैं जब 27 वर्षों से माँ का अखंड गुणगान दुर्गा चालीसा पाठ के रूप में उस सिद्धाश्रम धाम में चल रहा है। हम उस काल में जीवन जी रहे हैं जहां नित्य प्रति लोगों की कामनाओं की पूर्ति के लिए, लोगों की मानसिक शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज नित्य प्रति हजारों लोगों को अपना चरण स्पर्श प्रदान करते हैं, अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और भाइयों और बहनों, हम उस काल में जीवन जी रहे हैं जब उस अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ मंदिर में परम पूज्य गुरुवर महिषासुर मर्दिनी माँ की साथ ही सहायक शक्तियों की जब आरती करते हैं, और जब परम पूज्य गुरुवर आरती करने के पश्चात वह ऊर्जा बिखेरने के लिए, वह चेतनात्मक ऊर्जा हमें आपको प्रदान करने के लिए जब मुड़कर हमारी ओर भी आरती करते हैं, यदि वह दृश्य आपके रोए नहीं खड़े करते तो आप मान लीजिए आप निष्ठा के किसी भी कोने पर नहीं है।